नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौट आए हैं और लौटते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस पर फैसला लेना है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने छूटते ही कहा कि मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सीएम के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी के बहकावे में किसी की सलाह पर काम कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा है वो उनकी बातों को सच साबित करता है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा से जब ये पूछा गया कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने 19 और 20 फरवरी को बुलाए गए आपके बैठक पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये बैठक जेडीयू ने नहीं बुलाया है, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ये हैरानी की बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और उसमें ये संकेत दिया है कि आप पार्टी छोड़ सकते हैं, जेडीयू छोड़ सकते हैं, इस पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसे कोई ना तो संकेत दिए हैं और ना ही किसी पत्रकार से कहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या बिहार में जंगल राज आ जाएगा, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये हमसे मत पूछिए, बिहार की जनता को सुनिए, बिहार की जनता क्या कह रही है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने और क्या क्या दावे किए। यही कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे, क्योंकि पार्टी रोज कमज़ोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है, इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। सीएम का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, व्यक्ति सीएम से पूछे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। अरे चलिए, हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बात होती है, अभी कोई नई बात तो है। सर, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बोला है कि नीतीश कुमार अधिकारी भ्रष्टाचारी और गुंडों की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। कैमूर में फिर से हमला बोला है। देखिए, तो उनको तो बात करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी शामिल है इस सरकार में, तो जिस तरह की बात बोल रहे हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से, सीधे नीतीश को आरोप लगाने उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें शेयर उनका भी है। चलिए चलिए, अरे भाई किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है, पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। तो यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है, लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का आठवां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथी बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है। चलिए,